द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट मीन्स आज हम लोग अपने इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एप्लीकेशंस की स्टडी करने वाले हैं, और इसमें जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है वो हमारा है लूमिंग। और आई थिंक कि लूमिंग की मैं जो भी अंडरस्टैंडिंग आपको देने वाला हूँ, आई होप कि वो डेफिनेटली आपको समझ में आने वाला है। और बहुत ही वंडरफुल फेनोमेना है जो कि आपका कोल्ड कंट्रीज़ में होता है ना। तो इसको बेटा हम किस तरह से समझने वाले, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है बेटा क्या होता है कि जो कोल्ड कंट्रीज़ होता है ना, कोल्ड कंट्रीज़ में जो वाटर होता है वो बहुत ही कोल्ड होता है ना, आपको पता होगा। तो यहाँ आपको मान लीजिए कि कोई बोट यहाँ पे बेटा प्लेस है ना, ये मान लीजिए कि बोट यहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर मैंने इस तरह बनाने की कोशिश की है। तो आपको बेटा इतना पता होगा कि अगर ये बहुत कोल्ड है, ये जो लेयर होती है जितनी कोल्डनेस होगी वो आसपास का जो यहाँ पे एयर होगा है ना, जो भी एयर यहाँ के पार्टिकल एयर के होंगे वो इतने कोल्ड हो जाएंगे कि वो लगभग फ्रीजिंग पॉइंट के अप्रॉक्सीमेट पहुंच जाएंगे, है ना। तो होता क्या है कि यहाँ पे जितनी कोल्डनेस होती जाएगी लेयर, उतनी बेटा डेंसर होती जाएगी, है ना। तो डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है भाई, जो जितना कोल्ड होगा उतना ज़्यादा डेंसर होगा, आपको पता भी होगा, है ना। और जैसे जैसे आप बेटा ऊपर जाते जाओगे ना, वैसे वैसे जो लेयर्स होंगी ना वो रेयरर होती जाएंगी। इसका मतलब अब वहाँ डेंसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। ये आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना बेटा। क्या है, मैंने क्या कहा कि चूँकि यहाँ पे कोल्डनेस ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ की जो एयर की जो लेयर्स होंगी वो आपकी डेंसर हो जाएंगी, और बाकी जो ऊपर की लेयर होगी वो इसके कॉन्टैक्ट में चूँकि नहीं है, तो इस वजह से क्या होगी, वो रेयरर रहेगी। अब होता क्या है कि यहाँ से जब लाइट चलती है, देखिए यहाँ से जब लाइट बेटा चलती है, मान लीजिए कि इसके एक पॉइंट से लाइट यहाँ पे ट्रैवल किया, तो क्या होगा कि यहाँ पे आपको नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। और आपको पता है बेटा कि ये डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई ना कि लाइट हमारी कहाँ से कहाँ जाएगी, डेंसर टू रेयरर, मतलब नीचे वाला पार्ट डेंसर ऊपर वाला रेयरर। अब यहाँ क्या होगा बेटा, नॉर्मल से वो थोड़ी सी दूर हट जाएगी, है ना। ये देखो नॉर्मल से यहाँ पे दूर हट गई। अब आप मुझे ज़रा ये बताओ कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ये लाइट रे बेटा यहाँ और चली गई, देखो और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया इसका। तो यहाँ बेटा एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा बनता है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, 90 होता है, आपने पढ़ा था। वो एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये रेज थोड़ी सी और आगे बढ़ती है, तो क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से ये क्या हो गया भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। तो इस केस में क्या होता है कि ये लाइट रे पूरी तरह से ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर तक चली आती है, और ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पे अपनी आइज को प्लेस करके चीज़ों को देख लेता है। तो अब देखिए इमेज का फॉर्मेशन बेटा कैसे होता है, आपको भी पता है कि इसको हमें बैक ट्रेस करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको बैक ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको बैक ट्रेस करेंगे, तो जब आप बैक ट्रेस करते हैं तो आपको इसकी इमेज कहाँ दिखाई देती है बेटा, कुछ इमेज इस तरह से आपको दिखाई देती है, ठीक है। यस, तो ये लगता है कि बेटा जो हमारी बोट है ना वो हवा में हैंग कर रही है, ठीक है। तो इसको ये कहते हैं हैंगिंग इन द एयर, हैंगिंग इन एयर, ठीक है। दिस इज द वंडरफुल फेनोमेना व्हिच इज बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई थिंक डेफिनेटली ये आपको पसंद आया होगा, और समझ में भी इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर भी हुई होगी कि एक्चुअली हमारा जो लूमिंग है बेटा वो किस तरह होता है और कैसे होता है। अगर लूमिंग आपने समझ लिया, तो हम नेक्स्ट केस बेटा लेते हैं, एक सिंपल प्रिज्म का केस लेते हैं ना। यहाँ पे मैं प्रिज्म का केस ले रहा हूँ, जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो मैं प्रिज्म का केस ले रहा हूँ। अब प्रिज्म का केस लेंगे और उसके थ्रू हम इमेज को इन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने राइट एंगल प्रिज्म है आपके पास, और आपने कुछ इस तरह से उसकी सेटिंग की है, प्लेस किया है।
अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया है ना, जो कि हमारा क्या है, ए और बी है। तो लाइट रे अब इससे जाएगी, तो लाइट रे बिल्कुल यहाँ से गई, और आपको पता है कि लाइट रे जो 90 से जाती है बेटा, इंसिडेंट करती है, वो 90 पे ही रिफ्रैक्ट हो जाती है, तो 90 पे चली गई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा कि ये जो एंगल बनता है ना, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बनता है। अब आप पूछेंगे क्रिटिकल एंगल होता कितना है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसका बेटा होता है 41 आर 40 के आसपास, है ना, 41.2 के आसपास, क्योंकि फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास की दोनों की अप्रॉक्सीमेटली क्रिटिकल एंगल 39 से लेकर 41 के बीच में ही लाई करती है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 40 से क्या होता है बेटा, बड़ा होता है 45 के क्लोज। तो ये क्या होता है बेटा, जितने एंगल पे इंसिडेंस करेगा उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये देखो रिफ्लेक्ट हो गया, है ना, तो ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये 90 पे गिरेगा तो 90 पे क्या हो जाएगा, यस रिफ्रैक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसे। अब सेकेंड रे की बात करिए, जो सेकेंड रे इसके बेस से चलेगा, ठीक है, वो बेस से चलने के बाद बेटा यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, और यहाँ स्ट्राइक करने के बाद वो यहाँ से स्ट्राइक करेगा, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। अब जब आपने नॉर्मल ड्रा किया तो आपने क्या किया, इसको आगे की तरफ एक्सटेंड किया। अब आप मुझे ज़रा ये बता दो, ये ए है, तो ए वाला जो रे है वो यहाँ से आ रहा है ना, तो इसको हम ए बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। आप मुझे बताओ, ये बी वाला जो रे है वो इस तरह से आ रहा है बेटा, तो बी वाला ये रे है और इसको हम बी बोल सकते हैं, तो हमारा जो इमेज होता है बेटा वो इस तरह हो जाता है ना। ऑब्वियसली ये हमारा जो रे इमेज होगा वो इस तरह से हो गया, तो भाई वो 90 डिग्री इन्वर्ट हो गया है ना, यहाँ पे क्या हो गया, वो सीधा था, तो यहाँ पे वो 90 डिग्री इन्वर्ट हो गया। तो इमेज जो है 90 डिग्री अगर इन्वर्ट करना हो तो प्रिज्म की सेटिंग इस तरह से प्लेस कर दीजिए, क्लियर। अब देखिए बेटा 180 डिग्री पे जो आपका इमेज होता है, इन्वर्ट 180 डिग्री पे होता है, वो कैसे होता है उसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए प्रिज्म की जो अंडरस्टैंडिंग होगी, जो सेटिंग होगी, वो आपको समझनी है कैसे रखनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ बेटा इस तरह से प्रिज्म को हम प्लेस कर देते हैं, देखो ये देखिए 90 डिग्री क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री इसका ये है, ठीक है, और प्रिज्म को मैंने कुछ इस तरह से प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को रख के और इसके थ्रो रेस को प्लाट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, रेज यहाँ पे जाएगी, है ना, जब रेज यहाँ पे जाएगी, आपको पता है बेटा यहाँ पे नॉर्मल आपको ड्रा करना पड़ेगा, है ना, और नॉर्मल ड्रा करेंगे तो आप बताओ मुझे ज़रा, यहाँ पे लाइट रे बिल्कुल इस तरह से आएगी, आएगी ना, और यहाँ पे भी आपको नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी वही होगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बनेगा, तो लाइट क्या होगी, यस रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो वो उतने एंगल पे रिफ्रैक्ट हो गई और लाइट हमारी कुछ इस तरह से यहाँ पे मूवमेंट उसका हो जाएगा, ये हमारी लाइट रे यहाँ तक पहुँच गई। अब भाई इस लोकेशन ए और इसको मैंने बी नाम दिया, अब ए की बात करिए तो ए पे क्या होगा, ये बिल्कुल सीधा जाएगा ऐसे, यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करोगे ना। अब आप मुझे ज़रा ये बताओ कि ये इस तरह से आएगी, है ना, क्लियर हो ना। अब यहाँ पे भी सिमिलरली आप नॉर्मल ड्रा करोगे, अब ज़रा ये बता दो कि ये लाइट रे ऐसे आएगी कि नहीं। चल इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई बेटा तो आप मुझे ज़रा ये बताओ, ये बी ए वाला जो नीचे से आ रहा है वो पहले आ जा रहा है और बी वाला यहाँ पे बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा बी वाला है। तो अब ये हमारा क्या है, ए है, और ये हमारा बेटा क्या है, बी है। आप मुझे ज़रा ये बता दो, इमेज इन्वर्ट हो गया ना पूरी तरह से, तो 180 डिग्री पे जो इसका इन्वर्टेड इमेज हमको अचीव होता है वो आपको किस तरह से आपको प्रिज्म की सेटिंग करनी है वो आपको यहाँ से बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर आपको बेटा सेटिंग पता है 100% आप इसको क्या कर सकते हैं, क्या समझ सकते हैं ईजिली। तो आई थिंक कि जो दो एप्लीकेशन थे मैंने इस लेक्चर में कवर कर लिए, और नेक्स्ट लेक्चर में 3 एप्लीकेशंस बेटा और हम करने वाले हैं, एक हमारा ऑप्टिकल जो फाइबर है और एक हमारा
मिराज है और एक हमारा ब्रिलियंसिया डायमंड, और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ऑप्टिकल फाइबर भी हम समझने की कोशिश करेंगे और उसको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।